शुरू करते हैं द मैन विद मेनी वॉइसेस जय विजय सच्चार शेखर जी आपने देखा होगा आजकल ये बड़ी समस्या होती है लोन लेने में अभी तो हमारे जो नवाज भाई हैं अभी कितनी बड़ी हस्ती बन चुके हैं इतनी मेहनत की उन्होंने और आज अपना उनका खुद का बंगला है इतने नामचीन है बहुत साल पहले अभी जब वो इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने देखा कि यार क्या यार कि अभी क्या आप तो जानते हैं जितनी बड़ी गाड़ी उतनी बड़ी रोड आदमी की उनको लगा कि एक दिन नवाज भाई को यार मेरे पास भी ना एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए तो अभी गाड़ी है महंगी गाड़ी लेनी है तो फिर आपको लोन लेना पड़ेगा तो एक दिन नवाज भाई बैंक पहुंच गए कार लोन लेने के लिए अच्छा और वहां पर जो मैनेजर हैं वो नसीर साहब हैं सलाम साहब मेरे को एकदम एकदम मस्त गाड़ी लेने का है तो मेरे को ना उसके लिए लोन मांगता है भाई जिसे भी लोन लेना है पहले उसे लेके आओ अपने साहब को लेके आओ साहब मैं साहब है अरे अगर ऐसा है देखिए इसके लिए हमें गारंटर भी चाहिए होता है और हमें पेपर भी लगेंगे अरे पेपर का क्या बोलते हो बोलो ना साहब कल सुबह हिंदी मराठी गुजराती सब आपके पेपर डाल के जाता है अरे कमबख्त वो वाला पेपर नहीं हटाओ हमें गारंटर चाहिए अरे इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लोग को जानता है मैं अभी आपका गारंटी दिलाते ना तो भी क्या कॉल करते हैं संजू बाबा को अच्छा और जो बेल जा रही है संजू बाबा की स्टाइल में जा रही है संजू बाबा के मोबाइल पे हेलो अरे कौन बोल रहे रे अरे बाबा मैं नवाज बोलता है अच्छा नवाज कैसा है तू अबे तेरी तो गवर्नमेंट चली गई रे अरे नहीं 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 अरे आप कंफ्यूज हो रहे हो अरे मैं वो बाप का दादा का भाई का बुआ का फूफा का चाचा का चचिया ससुर का वो वाला नवाज बोलता है अच्छा नवाज अभी मैं तेरे को ढंग से पहचाना नहीं अरे बाबा आपके पिक्चर में भी मैं मार खा ला दो तीन पिक्चर में मार खा ला अरे नवाजुद्दीन अरे बोल ना रे वो बाबा क्या है ना कि मैं अभी ना बैंक में ला तो वो बोला कि मेरे को ना कोई गारंटी चाहिए तो मेरे को आपका गारंटी मांगता है अबे इधर पे कोई मेरा गारंटी नहीं ले रहा मैं तेरा गारंटी किधर से लूं रे टेंशन हो जाते कि यार ये क्या हो रहा है तो उनको लगा कि अभी दूसरे को कॉल करते हैं तो उन्होंने शाहरुख को कॉल किया जैसे उन्होंने कॉल उठाई बोले भाई अगर आपका हो गया हो तो अभी मैं बोले कुछ मेरे को ना आपसे कुछ हेल्प मांगता है मेरे को लोन मांगता है तो उसके लिए ना आपका गारंटी चाहिए बस आज तो मुझसे लोन मांगने के लिए मेरी गारंटी मांग रहे हो कल को तुम मेरे लिए मुझसे कुछ और मांगोगे कभी तुम मेरी नैना मांगोगे कभी मुझसे तुम मेरी प्रिया मांगोगे मैं तुम्हें गारंटी कहां से दूं अरे मेरी नैना उसे कितनी बार कहा था कि तुम मेरी हो तुम मेरी हो तुम मेरी हो तो तुम्हें पता है कि नैना मेरी तिजोरी की चाबी लेके भाग गई और मेरा पैसा लेके चला गया अरे अभी मुझे खुद गारंटी चाहिए मैं तुम्हें गारंटी कहां से दूं हां अरे फालतू में मेरे को डांट दिया यार ये अभी कहना मेरे को ना कोई सही आदमी मांगता है कोई सीनियर आदमी को कॉल करेगा वही मेरे को कॉल देगा अभी तूने कॉल किया डैनी साहब को हेलो डैनी साहब मेरे को आपसे एक बहुत जरूरी बात करने का जबान को लगाम दे वरना कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे बिना सोचे समझे तूने मुझे कॉल कर दिया तुझे क्या लगा यहाँ पे तू कॉल करेगा तुझे पता है कितनी प्रॉब्लम होती है बात बात में मुंह उठा के यहाँ पर तू मुझसे लोन के लिए बात कर रहा है मैं तुझे गारंटी दूं वहां पर चल के आऊं मैनेजर से बात करूं जबान को लगाम दे वरना तेरी जबान काट दूंगा सड़क पे सिंक के मारूंगा काले पेले अभी लोन देने का है तो ले दो गारंटी नहीं देने का नहीं तो लेकिन खाली पीली मेरे को ऐसे डांटता है तो मेरे को बहुत टेंशन होती है जिन्होंने पंकज जी को कॉल किया त्रिपाठी जी मां कसम बहुत हिम्मत लगा कि आपको कॉल किया
अभी मेरे को गारंटर के लिए इतना तपलीक हो रहा है ना तपलीक कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. प्लीज हेल्प मी, मेरे को आपका गारंटी चाहिए. ठीक है, गारंटी देना कोई बड़ी बात नहीं है मकबूल भाई. उसके पास जाके इसको पैसे ऐसे दे दो. लेकिन नवाज तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ये काम. गॉड, बाबूजी के घुटने में अचानक से दर्द शुरू हो गया है. बाबूजी कह रहे हैं कि अगर आ जाओगे उनके घुटने में थोड़ा सा मालिश कर दो. वो कह रहे हैं वो अपनी पर्सनल गारंटी तुम्हें खुद देंगे. अरे अपनी ऐसी तैसी में क्या गारंटी, अपना इज्जत मेरे को बहुत प्यारे लाए. थैंक यू. आ जाइए हमारे उज्जैन एक्सप्रेस हिमांशु भवन. पर शेखर सर समस्या बहुत जगह है. अभी अपने राधे श्याम जी आए थे यहाँ पर, उन्होंने बताया कि शराब पीने की क्या बुराइयां होती है. कल शाम को खुद बैठ के पी रहे थे. मैंने कहा क्या हो गया. अरे तुम तुम्हारे काम से काम रखो यार, हम यहाँ टेंशन में आ गए हैं, क्या हो गया. मैंने कहा नहीं, वारंट इशू हो गया हमारे. मैंने क्यों, विदाउट टिकट यात्रा कर लिए थे. मैंने कहा आपको समझ न, हमारी क्या गलती जो हम समझे. अब हमने मुगल सराय स्टेशन से टिकट लिया इलाहाबाद का. उधर मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया, इधर इलाहाबाद प्रयागराज हो गया. हम साला विदाउट टिकट हो गया. अर्चना जी प्रोफेशंस बहुत सारे हैं. कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं शेखर जो लुप्त हो गए, जो शायद रजत की पीढ़ी के लोगों को तो मालूम भी नहीं है. रजत की पीढ़ी की पूरी सीढ़ी गायब है. अर्चना जी आपको पता होगा एक प्रोफेशन भंगार वाले आते हैं, वीकेंड्स पे जनरली आ जाते हैं. हमारे वहाँ आके बड़ी टिपिकल सी आवाज लगाते हैं, ले जुना पुराना आटा ला, सामान पानी की टब बाल्टी पेपर रद्दी ले आओ. एक दिन यही सामने बैठी थी आंगन में, वो निकला, इससे पूछा, बोले भाभी जी कोई पुराना टूटा फूटा भंगार का सामान है. इसने मेरी तरफ देख कर बोला, हाँ है तो सही लेकिन अभी पेपर पढ़ रहा है. अच्छा मैं आपकी बीवी सामने बैठी आज तो पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछ लेते, आपने दहेज लिया था क्या शादी में? ऐसे क्यों कर रहे हो? मैडम मैंने नहीं लिया था. वेरी गुड. पर मुझे दिया गया था. मतलब आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुझे दहेज में दिया गया था कुत्ता. छोटा सा पपी. ससुर जी से कहा मैंने इसकी कोई जरूरत नहीं. ससुर जी ने कहा कि ये घर की रखवाली करेगा. अच्छा सर, घर की रखवाली तो वो करता है नहीं, उल्टा चोर आता है ना तो खिड़की पे जाके मैं भोंकता हूँ. और ये वहां पर लेटे लेटे बोल रही होती है, डार्लिंग धीरे भोंको, इसको डिस्टर्ब हो रहा है. ऐसा कहते हैं अर्चना जी, हर कुत्ते का दिन आता है. 5 साल हो गए मेरे चैन के लम्हे नहीं आ रहे. क्योंकि सर ये उसको डार्लिंग जानू कहकर इसके आगे पीछे घूमती है. मैंने इसी फ्रस्ट्रेशन में मेरा नाम शेरू रख लिया. पिछले दिनों बर्थडे मेरा हुआ, हड्डी वाला केक मंगवाया गया और गाना बज रहा है तेरी मेहरबानियां. तब शेखर जी मुझे समझ में आया कि मेरा जन्म हुआ है, इस कुत्ते ने तो अवतार लिया है. अच्छा बताओ इन चारों को कोई विशेष टिप्पणी वगैरह देना चाहते हो तुम? सर चारों को तो नहीं देना चाहता हूँ मैं, लेकिन हाँ ऐना से एक शिकायत है. अच्छा. पिछले दिनों दोस्ती यारी में मैंने विघ्नेश को गधा बोल दिया था तो ऐना भड़क गई. विघ्नेश को मेरे अलावा कोई भी गधा नहीं बोल सकता. मैंने सर क्षमा याचना कर ली. आज यही चीज मैंने विघ्नेश को है ना संस्कृत में बोली. भो वैशाख नंदन कथम अस्ति भवान. तब से ऐना के नजरों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी मैं ही हूँ. बहुत अच्छे भवन. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू.